मेरा नाम बलवंत है और मैं म्यूजिक संस्था में जिला समन्वयक के रूप में काम करता हूँ। हमारी संस्था खासकर डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र में जिला प्रशासन और म्यूजिक संस्था के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। मुख्य रूप से 2023 डिलेट ईयर है, उस पर हम लोगों ने मुख्य रूप से जो ये काम किया, हम लोगों ने हमारी कंपनी है और खासकर इसमें पूरी हमारी महिला जो किसान है वो जुड़ी हुई है। इस पूरे कार्यक्रम में अगर हमें देखेंगे तो जो मोटे अनाज हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनके बीज का संरक्षण मुख्य रूप से हम लोगों ने किया है। तो इसमें जो हमारे साथ में उजियारो बाई हैं और हमारे साथ में लहरी बाई हैं, गुलजरिया बाई हैं, तो ये अलग अलग बैगाचक क्षेत्र में मतलब इन सभी लोगों ने अपने यहाँ के जो मतलब मोटे अनाज के बीज हैं उसको उन्होंने संरक्षण किया है। उसमें से मुख्य रूप से मैं खासकर जो मोटे अनाज हैं मैं उनका नाम यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पहला अगर हमें देखेंगे कोदो है, गुटकी है। तो अगर हम कुटकी की वैरायटी देखें तो 7 प्रकार की कुटकियाँ होती हैं। कोदो अगर हमें देखते हैं कोदो 3 प्रकार का होता है, उसके अलावा सांवा है, फिर उसके बाद में हमारा अगर ये देखा जाए तो मुख्य रूप से कांग है। कांग की 3 वैरायटी हैं, जैसे अगर हमें देखेंगे तो ये 3 अगर हमें देखेंगे तो एक है लाल वाला कांग है, सफ़ेद वाला कांग है और काला कांग है, और ये तीनों का ही अपना अगर ये देखेंगे तो बहुत महत्व है। उसके अलावा अगर हम ये देखते हैं तो मुख्य रूप से रागी है, उसके अलावा सलार है, उसके अलावा अगर हमें देखते हैं तो सिकिया है, और ये सारे इसका अगर ये देखते हैं तो अलग अलग बीजों का जीआरओ दीदी और जो हमारे पूरे मतलब 52 गांव में जो संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें 167 प्रकार के अलग अलग हम ये देखते हैं कि जो यहाँ के परंपरागत बीज है उनका बीज बैंक बना है, और इसी बीज बैंक के माध्यम से सभी किसानों तक ये आगे तक मतलब उनके माध्यम से सभी किसानों को दिया जाता है। और इस पूरे कार्यक्रम में अगर हमें देखते हैं तो हमारे पास में 3 FPO है, और इन 3 FPO में हमारी लगभग 5400 बैगा महिला किसान जुड़ी हुई है। और आज की स्थिति में अगर हमें देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि ये जो बीज है ये बीज मुख्य रूप से अगर हमें देखते हैं तो ये बीज का अगर जो ये देखें कि खुद मतलब अपने से करके तो ये वस्तु विनिमय के रूप में हो रहा है, तो इनका पैसा भी बच रहा है, किसी पर डिपेंडेंसी भी नहीं हो रही है, खुद ही मतलब अपना बीज चला रहे हैं। तो मैं उजियारो भाई से अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा बताएंगे कि अपने इनका क्या क्या बीज है। If you like this video, then like, share and subscribe.